रायपुर ग्राहक को लेकर कार्य करने वाली संस्था अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ने राष्ट्रवादी महासदस्य अभियान 1 सितंबर से प्रारंभ किया है। इस महासदस्यता अभियान में ग्राहक पंचायत द्वारा ऑनलाइन डिजिटल माध्यम से सदस्यता दी जा रही है। केंद्रीय समिति के सदस्य रविकांत जायसवाल ने बताया है कि यह संस्था शोषण मुक्त समाज रचने के उद्देश्य को लेकर चल रही है और समाज का एक प्रमुख घटक ग्राहक भी है। वे कहते हैं अर्थव्यवस्था में ग्राहक राजा होता है, जबकि वर्तमान में ग्राहक बुरी तरह से लूट और शोषण का शिकार है। इसका मुख्य कारण ग्राहकों के जानकारी का अभाव और उनका असंगठित होना है। ग्राहक पंचायत का उद्देश्य ग्राहकों को समझाना, विरोध संगठित करना और संगठन के कार्य कर रहा है। साथ ही में इसको लेकर ग्राहक पूरे देश में कार्य कर रही है, होने जा रही है, जिसके साथ ही में छत्तीसगढ़ समस्याओं को संगठित कर पहुंचने का कार्य संगठन करेगा। हाल ही में रक्षाबंधन के पूर्व संगठन ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर मांग की थी कि मार्केट में बिक्री हो रही खुली मिठाई ट्रेन में उपेक्षित की जा रही है, जिसके साथ ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ऐसा करना जरूरी भी है। ऐसे की बहुत से कार्य संगठन के द्वारा लगातार किए जाएंगे। अभी हमारे लगभग 500 के आसपास मेंबर हैं। इस बार हमने 5000 का टारगेट रखा है। उद्देश्य क्या? उद्देश्य ग्राहकों की संगठित शक्ति खड़ा करना और ग्राहक के का जो शोषण होता है, ग्राहक की जो लूट होती है, उससे उसको बचाना, उसको जागृत करना, उसको जानकारी देना। अभी जो लूट होती है वो केवल जानकारी के अभाव में होती है। जैसे रसोई गैस का सिलेंडर आपके घर पहुंचना चाहिए और वो तोल के देना चाहिए, पर आप देखते हो पूरे रायपुर में रसोई गैस का सिलेंडर तोल के नहीं लिया जाता। और कभी हमारे घर में गैस खत्म हो जाती है तो हम सोचते हैं मेहमान आ गए थे इसलिए गैस खत्म हो गई, जबकि ऐसा नहीं हो सकता गैस आपको कम मिली हो। और आपने देखा समाचार पत्रों में आया था कि गैस से गैस निकालते हुए लोग पकड़े गए थे, तो ये समस्या है। अब इस पर अगर ग्राहक जागरूक होगा तो वो तोल के मंगेगा, तोल के मंगेगा तो आपको चीज कम नहीं मिलेगी। तो हमको ग्राहक को जागरण करना, ये भी एक बहुत बड़ा हमारा